My name is Rachita Mangal and I am from Chandigarh. मेरी आर्ट की जर्नी रिसेंटली 2020 में स्टार्ट हुई थी. जब लॉकडाउन लगा तो आई जस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ आर्ट. तो स्टार्टिंग ऐसी हुई थी कि मेरी एक फ्रेंड होती थी, वो मंडाला आर्ट बनाती थी एंड उसको देख देख के जस्ट स्केच पेंस के साथ मैंने आर्ट वर्क बनाना शुरू किया. तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो करते करते आई स्टार्टेड सेलिंग माई वर्क. फिर ऐसा हुआ कि सिर्फ एक चीज़ नहीं, मैंने और भी बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट शो किया एंड आई बिगिन टू स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव इन डिफरेंट मीडियम्स. कहीं ना कहीं आर्ट ने मुझे बहुत कुछ दिया है. आर्ट की वजह से आई एम द फर्स्ट गर्ल इन माई फैमिली जो अपने पैशन को चूज करके कुछ कर पा रही है. यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी 2020 से पहले, क्योंकि लोगों ने बोला कि कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में, पुलिस बन के ना तेरी हाइट अच्छी है तो अच्छी लगेगी. मैंने यूपीएससी कर दी, एक साल की तैयारी करी, जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो लॉकडाउन लग गया. तो उस समय ना मेरी मम्मा ने बोला जो तू करती थी वो कर. तो मैंने फिर उस समय ही मंडाला आर्ट वर्क स्टार्ट किया था. कोई बारीकी नहीं थी काम में, बट पैशन था कि करना है. धीरे धीरे कुछ महीने बाद ना मुझे समझ में आने लग गया कि ये तो ऐसी चीज है जो मैं रोज कर सकती हूँ बिना विदाउट फेल. सो वो करते करते कहीं ना कहीं 2020 में जून या जुलाई की बात है, आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम चैनल एंड वहाँ पे मैंने सेल करना स्टार्ट किया. दैट वॉज समथिंग मुझे बहुत मोटिवेट कर गया. जो मेरे आर्ट के लिए सबसे बेस्ट है वो यूनिपेन फाइन लाइनर्स थे, क्योंकि उसमें वैरायटी बहुत है. मैं जैसे स्टार्ट कर रही थी सबसे पतला पेन भी था और 1.2, तो ये जो इतने थिक स्ट्रोक्स भी बनाए गए हैं ना इसके अंदर, वो नहीं बन पा रहे थे अगर मैं किसी और चीज़ से बनाती, बट उस पेन ने मेरे को ये बनाने में बहुत हेल्प किया. तो येस, आई वुड रिकमेंड दोज यूनिपेन पेन. यूनिबॉल के प्रोडक्ट्स बहुत वर्सेटाइल हैं एंड मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी करती आई हूँ, तो मुझे पता है कि उनकी यूजेज कितनी अच्छी है और कितनी स्मूथ है. तो उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले मेरे माइंड में जो आता है ना वो लेटरिंग आर्टवर्क्स है. जितनी वैरायटी है ना यूनिबॉल की, उसमें अगर वो आर्टवर्क्स बनाए जाए तो वो बहुत वास्ट है. I created this Zentangle artwork जो कि हमारे यहाँ पे थीम को रिप्रेजेंट करता था using these Unipin pens and also Emot pens. तो हालांकि सारे products canvas पे use करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है क्योंकि the surface is very rough. But these products were so versatile. मैंने इससे पहले और भी brands के ऐसे fine liners use किए हैं. कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जब मैं करती रही हूँ ना तो उतना अच्छा texture नहीं आया. जब मैंने ये किया ना, एक स्ट्रोक मेरा इतना स्मूथ जाता था, वो जैसे कल इंक होती है ना वो फैल जाती है, वो फैली नहीं, वो वहीं पे उसी जगह पे रही जब मैंने किया. तो एवरीथिंग, एवरी स्ट्रोक वाज वेरी स्मूथ एंड मुझे लगता नहीं था मैं इतना जल्दी कर पाऊंगी, बट आई वाज एबल टू डू इट बिकॉज द प्रोडक्ट्स वर गुड. एंड देन Emot was a game changer for me. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये background में क्या दूँ. सारा कुछ अच्छा था जब मैंने एक साइड पे pastels try किए, pencils try की, सब कुछ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बट क्योंकि मेरा surface मेरे को साथ नहीं दे रहा था उस समय, तो Emot जब मुझे समझ में आया ना तो मैंने उसके साथ ये background दिया. So it was a game changer for me and yes, it has a variety of colors. और मैं ऐसी हूँ कि मुझे colors दे दो तो मैं खा भी जाऊँ. आप चंडीगढ़ का मैप देखोगे ना तो आपको हर एरिया इतना स्ट्रक्चर्ड लगेगा. तो कहीं ना कहीं मेरी इंस्पिरेशन वहाँ से आई थी एंड देन आई केम टू दिस रॉक गार्डन. तो मुझे आइडिया तो था कि जिन्होंने ये बनाया है उन्होंने क्या सोच के बनाया, मोज़ेक एंड स्टफ एंड समवेयर आई कनेक्टेड विद मंडाला ऑल्सो. तो फिर मैंने यहाँ पे आके देखा तो मोज़ेक, ऑल द पैटर्न्स एंड एवरीथिंग. तो जैसे एक चीज़ बिल्डअप की है, एक इंसान ने ये एरिया बनाया है, ये रॉक गार्डन बनाया है, एक एक चीज़ को जोड़कर,
मेरा आर्ट भी वही चीज डिपिक्ट करता है कि एक एक चीज को जोड़ के कैसे एक बहुत सुंदर चीज बन जाती है।